नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। क्रिकेट प्रेमी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगी थी। लोगों को स्टेडियम में जगह नहीं मिली थी और पूरा आईपीएल अबू धाबी में खेला गया। अब 2021 में आईपीएल का आगाज हो रहा है। जी हाँ, 9 अप्रैल से आईपीएल शुरू हो रहे हैं। इसी बीच एक खबर सामने आई है, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली एक हफ्ते तक क्वारंटीन में रहने के बाद बुधवार को टीम के ट्रेनिंग सेशन से जुड़े। कोहली ने शुक्रवार यानी कि 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच से पहले खिलाड़ियों को स्पीच दी। कोहली ने अपने संबोधन में ट्रेनिंग सेशन में मेहनत और समय का सही इस्तेमाल करने का महत्व बताया। कोहली ने कहा कि आरसीबी का पूरा मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ है। आगे देखिए किस तरह से विराट कोहली ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। आईपीएल 2021 का आगाज, मैच से पहले कोहली को सुनिए, चकदे स्टाइल में कोहली की स्पीच, टीम को किया चीयर अप। आरसीबी आईपीएल के सीजन में कुछ खास करने के इरादे से उतर रही है। टीम अब एक तरफ एक बार फिर से आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है, उसने ग्लेन मैक्सवेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है। इसके अलावा उसने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को 15 करोड़ में खरीदा है। टूर्नामेंट से पहले आरसीबी ने होमवर्क तो पूरा कर लिया है, उसने दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। अब देखना होगा कि क्या मैदान पर वो अपना जलवा दिखा पाएंगे। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोहली ने खिलाड़ियों को बॉलीवुड फिल्म चकदे की स्टाइल में स्पीच दी। कोहली ने कहा, जो भी नए खिलाड़ी आरसीबी से जुड़े हैं उनका स्वागत है। पहले की तरह इस सीजन में भी टीम का माहौल और एनर्जी शानदार रहेगी। आप सभी से मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैदान पर अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे प्रैक्टिस सेशन ही क्यों ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एनर्जी दिखाएंगे, हम एनर्जी के साथ खेलते आए हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोहली ने आगे कहा कि सीजन में हमारी टीम और मजबूत है और उम्मीद करता हूं कि इस बार चीजें अच्छी होंगी। विराट कोहली ने कहा, खिलाड़ियों को मैनेजमेंट का पूरा साथ मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैनेजमेंट आपके साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वे आरसीबी के कल्चर में योगदान करेंगे। अगर हम ये सोच लें कि हम सब साथ हैं तो हम इस सीजन में बहुत कुछ खास कर सकते हैं। आरसीबी के कप्तान कोहली ने कहा है कि पिछले सीजन में हमने काफी एंजॉय किया, हमारा ध्यान था कि जो समय है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, खासतौर से प्रैक्टिस सेशन में। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के शुरू होने से पहले पहली बार नेट्स में बल्लेबाजी की। दोनों खिलाड़ियों ने बुधवार को 7 दिन का क्वारंटीन पूरा किया। कोहली और डिविलियर्स 1 अप्रैल को चेन्नई पहुंचे थे। आरसीबी का पहला मैच शुक्रवार यानी कि 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के साथ खेला जाएगा। तो आईपीएल का इंतजार खत्म हो चुका है, कल से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में दर्शकों से ये कहा जा रहा है कि वो कोविड-19 के गाइडलाइंस का फॉलो जरूर करें। स्टेडियम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको सावधान रहना है क्योंकि कोरोना के बीच में एक बार फिर से आईपीएल शुरू हो रहे हैं। और इसी के साथ इस खास वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।